देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया पुलिस को मिली महत्वपूर्ण कामयाबी, डकैती कांड के 48 घंटे के अंदर ही किया गया सफल उद्भेदन। मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए डकैती कांड में शामिल 7 अपराधियों को लोड हथियार के साथ किया गया गिरफ्तार। पकड़े गए अपराधियों के पास से 61,000 रुपए नकदी के साथ साथ 10 मोबाइल फोन, घटना में इस्तेमाल किए गए 2 देसी कट्टे, 2 कारतूस, 3 मोटरसाइकिल और कई अन्य सामान बरामद हुए। गौरतलब है कि बीते 23 जनवरी को मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत परमानंदपुर पुलिया नहर के पास से बंधन बैंक के कर्मचारी त्रिपुरा मंडल से 3 मोटरसाइकिल पर करीब 7 से 8 अज्ञात अपराधियों ने हथियार दिखाकर लूटपाट की थी। इस लूटपाट की घटना में 1,10,383 रुपए और अन्य कागजात बैग सहित अपराधी लूटकर फरार हो गए थे। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक विशाल शर्मा ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया और मामले की जाँच में जुट गई थी। इस मामले को लेकर विशाल शर्मा ने प्रेस वार्ता की और संपूर्ण जानकारी दी है। पिछले विगत कुछ दिनों से पूर्णिया शहर में छीन चोरी की और लूटपाट की घटना, और खास करके ये जो बंधन बैंक कर्मी होते थे, कैश लेकर के निकलते थे, सर अकेले में रहते थे, तो एक सक्रिय गिरोह था जो यहाँ पे काम कर रहा था, जो कि उनको टारगेट करता था और टारगेट करके उनके पैसे ले लिया करता था। इसी कड़ी में 23 तारीख को मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जो है एक बंधन बैंक कर्मी त्रिपुरा मंडल करके परमानंदपुर पुलिया के पास, उनसे जो है वो कलेक्शन करके लगभग 1,10,000 रुपये के आसपास निकले थे। 3 बाइक पर सवार लगभग 6 से 8 की संख्या में अपराध कर्मी आया और उनको हथियार के बल पर उनसे उनका पैसा छीन लिया गया। तो पूर्व से क्योंकि हम लोग इस गिरोह के उद्भेदन की दिशा में काम कर रहे थे, तो एक गैंग के कुछ मेंबर्स को जीरो डाउन किया गया, उनकी लोकेशन वहां पे आसपास पाई गई। उसके बाद इसमें एक तुरंत ही घटना को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर और थानाध्यक्ष मुफस्सिल, थानाध्यक्ष के नगर और अन्य थानाध्यक्ष टीम के सदस्य थे, और तकनीकी सहयोग उनको जो टेक्निकल सेल है हमारा उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया। तो जो एक उसका मेन लुटेरा था, पहले हमारी टीम ने उस मोहम्मद सद्दाम को उठाया, और सद्दाम के उठाने के बाद सद्दाम ने अपने अन्य अपराध कर्मियों के और अन्य साथियों के नाम बताए, जिसके आधार पर पूर्णिया पुलिस की विशेष टीम के द्वारा रेड छापेमारी करते हुए सारी कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए लगभग 7 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से लूटा गया 61,000 रुपया मिला है, 10 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, टैबलेट जो इन्होंने पूर्व में पूर्व की जो घटनाएं हुई थी उसमें लूटे थे, और घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी 3 मोटरसाइकिल की रिकवरी की गई है। और कुल जो है पिछले जो कुछ माह में घटनाएं हुई, तो एक साथ इस 7 अपराध कर्मियों के पकड़ाने से 13 कांडों का एक साथ उद्भेदन हुआ है, और इसमें निश्चित रूप से एक सक्रिय गिरोह था जो कि पूर्णिया शहर में काम कर रहा था, और ऐसे ही जो अकेले लोग जाते थे और खास करके बंधन बैंक कर्मी, क्योंकि उनके पास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती थी। पूर्णिया पुलिस के द्वारा भी कई बार अपील किया गया है, जो कोई अपना हैवी अमाउंट में कैश लेकर के जाते हैं या कोई ऐसे बंधन बैंक कर्मी भी है, तो नज़दीकी थानों को सूचना दे, थाना के द्वारा उनको सुरक्षा या एस्कॉर्ट दिया जाएगा, परंतु किसी कारणवश उन लोग के द्वारा भी थाना को सूचना नहीं दिया जाता है, तो जिसके कारण से घटना होने के बाद हम लोग को जानकारी मिलती है। बहरहाल ये एक एक्टिव गैंग था, जिसके पकड़ाने से निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाओं में कमी आएगी, और जल्दी अब इन लोग को हम लोग जुडिशियल कस्टडी में भेज के फर्दर इनका TIP वगैरह जो विक्टिम है उनके द्वारा हम लोग करवाएंगे, और फर्दर इसमें स्पीडी ट्रायल वगैरह के लिए हम लोग जाएंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों को काफ़ी पुख्ता और तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, तो निश्चित रूप से इन लोग की हम लोग सजा करवाएंगे। ये गिरोह कहाँ के हैं और कितने वारदातों में शामिल हैं? टोटल ये लगभग 13 कांडों में शामिल रहे हैं, जिसका आप लोग को क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग थानावार प्रोवाइड कर रहे हैं। लोकली गैंग था, ये सब पूर्णिया के ही अपराधी थे, और ये लोग इस प्रकार से अपने जो रोज़मर्रा के उनके शौक होते थे उसको पूरा करने के लिए, सब देखेंगे आप, सब जो है मोस्टली जो है एक ही एज ग्रुप के लड़के हैं इसमें, तो लोग इस प्रकार की घटनाओं को ये लोग अंजाम देते हैं। इस चीज़ का सुराग कहाँ से मिलता था कि बंधन बैंक कर्मी पैसे लेकर निकल रहे हैं? बंधन बैंक कर्मी, देखिए जैसा मैंने बताया कि ये बंधन बैंक कर्मियों के काम करने का तरीका जो है वो वाइडली नोन है। बेसिकली जहाँ भी कस्टमर सर्विस पॉइंट होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो कस्टमर सर्विस पॉइंट से कलेक्शन करना होता है,
तो ऐसे कस्टमर सर्विस पॉइंट्स के पास ये जो इनके गैंग के लड़के होते थे, ये लोग घूमते थे, तो ये चिन्हित कर लेते थे कि कौन किस कर्मी का फ्रीक्वेंसी क्या है, वो सप्ताह में किस किस दिन आके कलेक्शन करता है, रेकी पहले से होता है। हाँ, तो उसके हिसाब से लोग टारगेट कर लेते थे, तो क्योंकि वो तो नोन रहता है कि कस्टमर सर्विस पॉइंट्स कहाँ पे और कहाँ पे जो कर्मी है वो आके अपना कलेक्शन एजेंट आके कलेक्शन करके लेके जाएंगे। अच्छा, इस ग्रोह में सर और भी लोग हैं अभी सामने? मोस्टली इसके जो गिरोह के सदस्य थे सब पकड़े हैं, कुछ एक दो तीन मेंबर रह गए, उन पर हम लोग अभी। मुख्य सरगना कौन है गिरोह का? मुख्य सरगना, मुख्य सरगना के बारे में ऐसा, ये देखिए सब लोग मिल करके ही घटना करते थे, इसमें ऐसा आप किसी को बोल देने से बाकी की संलिप्तता को हम लोग कम नहीं कर सकते हैं, तो ये सबकी बराबरी सहभागिता रहती थी, सब लोग आपस में पैसे का बंटवारा करते थे। गिरोह था, एक मिली जुली सरकार चल रही थी, गिरोह ही था वो, गिरोह था, गिरोह था। और इसमें अगर आप जो हम लोग ने पहले पकड़ा था सद्दाम को, सद्दाम को पकड़ाने के बाद हम लोग बाकी लोगों तक उसके कन्फेशन वगैरह के आधार पर पहुंचे। एक इसमें जो ये बेचैन पासवान है, ये इन लोग को जो है साधन वगैरह मुहैया कराता था, इसके यहाँ हम लोग ने रेड करा और इसके यहाँ अलग से हम लोग हथियार वगैरह की रिकवरी हुई है, जिसके संबंध में आर्म्स एक्ट का केस भी दर्ज किया गया है। तो इनके गिरोह के अलग अलग सदस्य थे जिनका काम बटा हुआ था कि बाइक कौन दे रहा है, हथियार कौन दे रहा है, रैकी कौन कर रहा है, तो उसके हिसाब से ये लोग घटना करते थे। बहुत ही ऑर्गेनाइज गिरोह था, तो निश्चित रूप से पूर्णिया पुलिस के लिए बड़ी सफलता है और नागरिकों को थोड़ा। बेचैन पासवान सर क्या लोकल ही है? सब लोकल है, मैंने आपको बताया जैसे कि सब पूर्णिया के हैं और बेचैन पासवान ये के नगर के रहने वाले। आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ।